नमस्कार। अभी अपने साथ में श्रीमान पुष्पेंद्र जी हैं और यह मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, भिंड मुरैना के। इनको आंतड़ियों में बहुत ज्यादा तनाव है, खिंचाव है। यह कह लीजिए कि इनकी आंतड़ियां बहुत ज्यादा वीक हैं, कमजोर हैं, श्रिंक हो गई हैं और इनकी आंतों में स्वेलिंग के साथ कड़कपन, गांठें जैसी नली पड़ रहे हैं। अब आप देखिए कि कमजोर आंतें व्यक्ति को क्या क्या दे देती हैं, क्या क्या कर देती हैं। इनको भयंकर एसिड बनता है, पेंटोसिट खाते हैं, परमानेंट पेंटोसिट। और इनको जो समस्या है, इनको भूख नहीं लगती, आंतें कमजोर हैं, नींद कम आती है, थकान और कमजोरी भयंकर है। आप समझते हो, पेट वाले रोगी को थकान और कमजोरी की तो हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। दुनिया में जिस व्यक्ति को पेट की समस्या, उसको थकान और कमजोरी रहती है। आगे अपच, अफारा, पेट में तनाव और खिंचावट मसल्स के अंदर भयंकर है। पेट में भयंकर कड़कपन है, सूजन है आंतों में और पेट में। पोटी खुल के नहीं आती, सोच जो है गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, उल्टी जैसा मन रहता है, घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है। आमाशय जो स्टमक होता है उसमें जलन होती है। और इस सब के अलावा जो सबसे बड़ी समस्या है कि व्यक्ति को इतनी सारी समस्या आने के बाद में नेचुरल है कि ये पेट माइंड में जाके बैठ जाता है और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो ये पुष्पेंद्र जी, कैसे समस्या आई थी आपको? लोगों को हम कैसे अवेयर करें, कैसे बताएं कि वो क्या, कैसे बचे, क्या खाया पिया, क्या वजन उठाया, क्या किया? सर मैंने खाना तो घर का ही खाया है और मतलब गाड़ी चलाती है, और पहले सर मैंने ट्रैक्टर भी चलाया है गांव में। गांव में ट्रैक्टर चलाते हैं, सबके गांव में ट्रैक्टर होता है, दुनिया सब तो करती है। दिक्कत उसमें नहीं मेरे को दिल्ली आई, जब से मैं दिल्ली आया हूँ तो मेरे को 2 साल से ये दिक्कत आ रही है इतनी ज्यादा। बीच में फिर मैं गैस के कैप्सूल वगैरह नहीं खाता रहा, चलता रहा उससे, फिर अब थोड़ा सर ज्यादा है। अब मतलब खाना भी कम खाता है और बस वीकनेस खाना भी प्रॉपर नहीं खा पाते पूरा। और वीकनेस नहीं रहती शरीर में, थोड़ी घबराहट सी रहती है और वैसे लगता है कहाँ जाऊँ क्या करूँ, बस ऐसा ही होता है। प्रॉपर देखिए, ये जो नाभि है, नाभि के आसपास आपको जो उठा हुआ दिख रहा है ये तो ठीक है, यहाँ कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये दिक्कत है सबसे ज्यादा, इनको ये दिक्कत है आपको। देखो ये देखो, अगर मैं इसे टच कर रहा हूं तो ये देखो, ओ हो, एकदम ऐसा हाथ लग रहा है जैसे मेरी गांठों पे हाथ चला गया ये। और ये तो एकदम पत्थर, ये तो ठीक है, इतना रीच, ये ऊपर की फैट ठीक है, लेकिन इस फैट से अंदर टच होती है, देखो आपको क्या महसूस हो रहा है? ये कड़कपन महसूस हो रहा है, कड़कपन कड़कपन गांठे टाइप। तो ये जो एरिया है ना, ये भयंकर गांठे, कड़कपन। अब आप देखिए इस कड़कपन को आपने कैसे तोड़ना है, ये जो कड़कपन है इसको कैसे तोड़ना है। देखिए आज हम आपको इसका एक स्पेशल ट्रीटमेंट बताने वाले हैं, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। ये सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद में हर पेट रोगी को करना ही करना है। जितना भी व्यक्ति पेट रोग का शिकार है, नली का शिकार है, पेट में खिंचाव, तनाव, ये सारी समस्या है, उनको ये करना ही करना है। अब ये कौन सी एक्सरसाइज करनी है, दो तकिया दो। ये आप देखिए, अब ये वाली जो एक्सरसाइज है, हर पेट रोगी को जिसको पेट की समस्या है, पेट में नले हैं, नाभि है, ये देखिए, ठीक है, हाथ ऊपर कीजिए सीधे, बिल्कुल सीधे। आपके घर में खाट है, जमीन है, बेड है, तख्त है। आपने इस तरीके से मिनिमम मिनिमम आधा घंटा, पहले तो आप आधा घंटा कर नहीं पाओगे, 1 मिनट से, 2 मिनट से, 5 मिनट से, 7 मिनट से चालू करना है। आपके पेट पर कितना खिंचाव है, कितना खिंचाव पड़ रहा है टांगों में और पेट पर? खूब खिंचाव पड़ रहा है। आपकी सांस भी तो फूलती होगी ना, सांस भी फूल जाती है। आपको पता ही है कि पेट रोग का जो व्यक्ति होता है उसको सांस तो नेचुरल है, सांस, थकान, वीकनेस, गैस, एसिडिटी, ये तो होनी ही होनी है। ये जो नई एक्सरसाइज है इसमें आप पेट मिलाएंगे इस तरीके से, इसको कीजिए कीजिए प्रॉपर कीजिए। अगर कम खिंचावट आ रही है तो सपोज ये तकिया निकाल लीजिए आप, एक ये वाला, हाँ जी जाइए। आप ज्यादा खिंचावट है ना सर, पैर फटे जा रहे सर, पैरों में खूब खिंचावट है, बहुत भयंकर सर। आप देखिए इनकी मसल्स में काफी, ये पूरी जो मसल्स हैं इस एरिया की, यहां से जो इस एरिया की ये पूरी मसल्स है ना, इनमें बहुत खिंचावट आएगी। और 15 दिन ये इस वाली एक्सरसाइज को करेंगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूं 15 दिन बाद इनकी खुल के सांस आएगी, ये पैदल चल पाएंगे, ये सीढ़ियां चढ़ पाएंगे, और इनकी जो यहां से नीचे की जो वीकनेस है ये पूरी निकल जाएगी, ये मैं बता रहा हूं पूरी निकल जाएगी, ये एकदम भयंकर तरीके से। ये देखिए, ये पूरा ये कड़कपन है, भयंकर कड़कपन, ये देखिए,
इससे आंखों की कमजोरी और नीचे की सारी कमजोरी निकल जाएगी, पूरी कमजोरी निकल जाएगी एकदम। अब इसके अलावा एक और आप स्ट्रेचिंग सीखिए, बैठ लीजिए, पहले करवट लीजिए इधर, यस आइए जी। ये देखिए अब इन्होंने ये वाला, इसको हम बोलते हैं भुजंगासन, इसको पूर्ण भुजंगासन बोलते हैं। पीछे जाइए, इसको सीधा कीजिए, इसको सीधा कीजिए। अब देखिए आपने क्या करना है, किसी घर के व्यक्ति से बोलना है हल्का सा इस पर प्रेशर डाल दो, उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना, नहीं तो आपको तकलीफ हो जाएगी, दर्द बढ़ जाएगा कमर में। हल्का सा प्रेशर डालना है इसमें, बहुत हल्का, और इनको बोलिए ये जितना पीछे कर सकते हैं करो। अब मैंने बोला कि ये पीछे करो, हाँ जी, अब मैंने ये प्रेशर पीछे दिया तो आपके पेट में क्या महसूस हो रहा है आपको? क्या खिंचाव, जोर से बोलो, कमर में सर दर्द हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, पेट में कितना खिंचाव है? पेट में भी खिंचाव है सर, भयंकर। ये देखो मैंने अगर ये ऐसे किया तो इनके पेट में बहुत खिंचाव होगा, बहुत ज्यादा। अब लेती ये दूसरी, अब ये देखो तीसरी है, ये जो तीसरी है इससे पेट में बहुत ज्यादा खिंचाव पड़ेगा। हाँ जी, इनको याद रखिए, कोहनियों को लाइए पास में, बस ठीक है, दोनों पैर मोड़ो। ये देखो अब ये जो तीन एक्सरसाइज हैं, ये जो तीनों एक्सरसाइज है ये वाली, इनको ऐसे मिलाइए, ये वाली। हाँ जी, कहाँ दर्द है सर? पैरों में और पेट में। पेट में कितना दर्द है? पेट में दर्द है सर, खूब खिंचावट पड़ रही है, खूब। ये देखिए कुछ नहीं करना, ये घर के व्यक्ति से कराओ ना, बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत जबरदस्त, एक नंबर की। छोड़ो जी, कितना पड़ रहा है पेट में? बस हल्का हुआ शरीर, चलो। ये देखिए ये जो तीन है जिसमें मिनिमम आपने आधा घंटा लगाना है, कंप्लीट आधा घंटा लगाना है तीनों एक्सरसाइज में। आइए बस, अब इधर आ जाइए। ये जो चीज है एक ये वाला, आप डेली अपने बेड में बैठ जाया करो, जिसको पेट की समस्या है, जिसको पेट की समस्या है वो बेड में ऐसे बैठ के 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट आराम से कर सकता है, ये भी बहुत अच्छी चीज है। सीधे हो जाओ पुष्पेंद्र जी। तो ये जो तीन आसन हमने दिखाए, मुझे दिखाओ, तीन आसन करे, इससे जो पेट की आंतड़ियां है ना वो बहुत ताकतवर हो जाएंगी, खिंचाव दूर हो जाएगा, उनका तनाव दूर हो जाएगा, जो सिकुड़न बोलते ना यार मेरी पेट की आंतड़ियां से चिपक गई हैं, कम हो गई हैं, भूख नहीं लग रही, सारी चीजें इससे कंट्रोल हो जाएंगी। बसरते आप महीना भर इसको पूरी ताकत के साथ कर लो, पूरी ताकत के साथ, पूरे शिद्दत के साथ, मैं बताता हूं आपकी पेट रोग की कई सारी समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाएंगी। नमस्कार।